हेलो बच्चों, दोस्तों केमिस्ट्री की दुनिया में वही है आबाद जिसको है पूरी पीरियोडिक टेबल याद। आप भी बिंदास हो जाएंगे, आप भी बेहतरीन हो जाएंगे अगर आपको याद है पूरी पीरियोडिक टेबल। तो चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आगे आने वाले सफर को आसान बनाना चाहते हो और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में महारत हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए आज आपको जानना होगा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, और साथ में जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन को भी अंडरस्टैंड करना होगा। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। द डिक्रीमेंट इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। देखिए इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यह हमारे पास एटम है, लिथियम का केस हमने यहां पर कंसीडर किया है। ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए, अगर यहां पर बात हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो देखिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह होगी एफ अट्रैक्शन। और देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये हम जानते हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, जी हां। तो ये होगी एफ रिपल्शन, ध्यान से देखिए ये होगी रिपल्शन फोर्स, ये होगी रिपल्शन फोर्स। और ये कौन सी फोर्स होगी, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगी, जी हां, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी, न्यूक्लियस के साथ क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इस प्रकार से अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपेल करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये रिपल्शन होगी और ये होगी अट्रैक्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट वन में है, एन इज इक्वल टू वन में, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से खींच रहा होता, जी हां। अब इस केस में एफ नेट क्या होगी, एफ नेट होगी एफ अट्रैक्शन माइनस एफ रिपल्शन, जी हां, रिपल्शन ज्यादा हुई। अगर रिपल्शन ज्यादा हुई तो क्या होगा, नेट फोर्स कम होगी, जी हां ऐसा ही होगा। तो देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो डिक्रीमेंट हुआ है इसी डिक्रीमेंट को बोला जाता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए अगर न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज प्लस जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, कूलम यूनिट में बात की जाए तो प्लस जेड ई कूलम होगा, और ई किसके इक्वल है, प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, इतने कूलम के इक्वल है। आई होप इस पूरे कहानी को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो क्या इस प्लस जेड का इफेक्ट, क्या इस प्लस जेड का इफेक्ट कंप्लीट लग रहा होगा, कंप्लीट देखिए तब लग रहा होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिसिंग होते, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से अब इसका कंप्लीट इफेक्ट नहीं लग पाएगा। रिपल्शन ने न्यूक्लियस के इफेक्ट को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो देखिए दिस इज ए रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जी हां, इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस अपना पूरा इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। अगर न्यूक्लियस अपना पूरा इफेक्ट नहीं लगा पाएगा यानी न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है यह कम हो चुका है, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जी हां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर रिपल्शन ज्यादा हुई, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर रिपल्शन ज्यादा हुई तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना नहीं लग पाएगा, और कम हो जाएगा अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया है, रिपल्शन ज्यादा होगी
तो जितना इफेक्ट न्यूक्लियस का लगना चाहिए था उसे कम हो जाएगा, रिपल्शन और ज्यादा हो जाएगी तो इफेक्ट और कम हो जाएगा। आई होप इस कहानी को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज जेड देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज जेड माइनस सिग्मा। क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जेड माइनस सिग्मा। वेयर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। जी हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा इज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। ये है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट इज ए मेजर ऑफ रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखिए, अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हुई तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हुई तो देखिए क्या बोल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव कम होगा। जी हां, जेड इफेक्टिव कम होगा। ऐसे केस में सिग्मा इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। हायर इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, लेसर विल बी जेड इफेक्टिव। आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ऐसा हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर कम हुई, यानी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हुई, सिग्मा की वैल्यू कम होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। देखिए, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है। बिल्कुल, अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार से सिग्मा जेड इफेक्टिव के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। आई होप आपने इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, इसके बाद हमें जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा कैलकुलेशन की बात करनी है, और इसके लिए हमारे पास एक फेमस रूल है। दैट रूल इज स्लेटर्स रूल, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको अप्लाई करने से आसानी के साथ सिग्मा कैलकुलेट कर पाएंगे, और सिग्मा की वैल्यू पुट करने के बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे जेड इफेक्टिव को। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना होगा, और सिग्मा को यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जेड इफेक्टिव। यहां पर हमें देखिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एससी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एस इज 0.3। देखिए, अकेला इलेक्ट्रॉन वन एस में स्क्रीनिंग इफेक्ट में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा? ये इतना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और ये रूल इस टाइप की कॉन्फिगरेशन के लिए वैलिड होगा। देखिए कैसे, अगर यहां पर हीलियम 1s2 के लिए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, तो देखिए न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होगी, इसको और कम कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे? इस एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन की बात की गई है, तो इसके बीच में तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? एक ही आ सकता है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन को डिक्रीज कर सकता है। जी हाँ, जिस भी एक्सटेंट में कर पाएगा वो यहां से हम आसानी के साथ देख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है एक इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को यहां पर हमें काउंट करना चाहिए, और ये यहां पर मेंशन है 1s में प्रेजेंट उस इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सिग्मा की वैल्यू के लिए देखिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.3 होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, 0.3 × 1। तो देखिए यहां से सिग्मा क्या मिल जाएगा हमें? 0.3 मिल जाएगा। यहां से सिग्मा 0.3 मिलता है। अगर यहां से सिग्मा 0.3 मिलता है तो हम बोल सकते हैं आसानी के साथ जेड इफेक्टिव क्या होगा। यहां से अगर हमें सिग्मा 0.3 मिलता है तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होगा। जेड इफेक्टिव इज
z माइनस सिग्मा विच इज 2 माइनस 0.3 1.70 इतना होगा z इफेक्टिव. नोट कीजिए, आई होप इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, z इफेक्टिव कितना होगा, ये पूरी माया आपने अंडरस्टैंड कर ली है. अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो कुछ और रूल्स को भी हमें जानना होगा. देखिए पॉइंट नंबर टू क्या है, पॉइंट नंबर टू आपके सामने है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एनएस एंड एनपी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज 0.35. हर इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जी हाँ, उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है जिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन की बात की गई. उसके अलावा एनएस एंड एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी होंगे टोटल कर लेंगे पर इलेक्ट्रॉन, हमें सिग्मा में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है जिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन की बात की जाए, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एनएस एंड एनपी में उनका टोटल कीजिए और पर इलेक्ट्रॉन इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर कीजिए और उसके बाद सिग्मा को बिंदास इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट कर लीजिए. आगे देखिए क्या इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे. इसके लिए हमें थर्ड पॉइंट की बात करनी होगी. देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एन माइनस वन एस एन माइनस वन पी एन माइनस वन डी पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन इज 0.85. हर इलेक्ट्रॉन जो पेनल्टीमेट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना काउंट करना है, देखिए 0.85 यानी सिग्मा की कैलकुलेशन में उसका कंट्रीब्यूशन 0.85 कंसीडर करना है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम चेक करेंगे वैलेंस शेल से जस्ट अंदर जो सेल होगी, देखिए n अगर वैलेंस शेल है तो n माइनस वन सेल कौन सी होगी, जस्ट अंदर पेनल्टीमेट सेल होगी. इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसके कोरस्पोंडिंग, एस पी डी के कोरस्पोंडिंग, उनका टोटल कीजिए, उसके बाद क्या करना होगा 0.85 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वहां से आपको उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो और अंदर भी प्रेजेंट होंगे, जी हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एन माइनस टू एंड बिलो दिस इलेक्ट्रॉन इज वन, जी हाँ वन होगा. इलेक्ट्रॉन एस में हो, पी में हो, डी में हो, एफ में हो, किसी में भी हो, टोटल कीजिए आप, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एन माइनस वन सेल से अंदर, जितनी भी सेल्स हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन्स का टोटल कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए किससे, वन से, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा सिग्मा की कैलकुलेशन में जो भी होगा. आई होप इस पूरी कहानी को आपने अंडरस्टैंड किया है. ये देखिए ये रूल नंबर वन वैलिड है किसके लिए, ये हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड है और बाकी रूल्स बाकी और एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे. डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, सिग्मा की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलती जाएगी. किस प्रकार से मिलती जाएगी, आइए बात करें कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा की. ध्यान से देखिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव, हम फाइनली जेड इफेक्टिव की ही बात करेंगे. जी हाँ, जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन में सिग्मा को तो कैलकुलेट करना ही होगा. कैसे करना होगा, देखिए इसके लिए हमारे पास फर्स्ट केस लिथियम का है. लिथियम का एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 3 होता आप जानते हैं, जी हाँ. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1. ये देखिए वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेशन में कितना होता है ये आप देख चुके हैं. रिपीट करता हूं इसको, 0.35. क्या इस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, देखिए n की मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करती है वैलेंस शेल को, n2 है, जी नहीं, इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी वैलेंस शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेशन में नहीं है. और वैलेंस शेल से जस्ट अंदर ये n माइनस वन है, यहां प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेशन में 0.85 है. देखिए सिग्मा क्या हो जाएगा, 0.85 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.70. अब देखिए
जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है, एटॉमिक नंबर 3 है, 3 माइनस 1.70, ये हुआ 1.30, है ना, बिल्कुल सिंपल। आई होप आपने इस कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट टू की बात करते हैं। देखिए पार्ट टू क्या है, पार्ट टू में हमें लिथियम से आगे चलना होगा और बात करनी होगी बेरिलियम की। एटॉमिक नंबर 4 है, तो देखिए एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां देखिए वैलेंशियल ये है जिसका n मैक्सिमम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम है, ये देखिए ये n है, ये n माइनस 1 है, पेनल्टीमेट शेल है। तो देखिए इस केस में क्या करना होगा, इस केस में हमें करना ये होगा, यहां पर हमें एक ही इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बीच, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे होंगे, वह इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो रिपेल नहीं करेगा, यानी यहां पर हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करना होगा। जिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है, जिसके लिए हमें जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करनी है, उस इलेक्ट्रॉन को हमें कंसिडर नहीं करना होगा, वह इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिपेल नहीं करेगा, तो देखिए सिग्मा कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं होगा। तो करना क्या होगा, देखिए वैलेंस शेल के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ही इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना होगा और इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 होगा। जी हां, तो देखिए सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज 0.35 इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, और एन माइनस वन में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये होगा 0.85। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो यहां से देखिए क्या मिलता है, यहां से आपको 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 ये है 1.70, यानी यहां से आपको मिलता है 2.05। जी हाँ 2.05। अब देखिए सिग्मा को जेड में से माइनस करने के बाद, सिग्मा को जेड में से माइनस करने के बाद जेड इफेक्टिव क्या मिल पाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड इस केस में 4 है, जी 4 पुट किया, सिग्मा 2.05 है, तो यहां से देखिए जेड इफेक्टिव कितना मिलता है बेरिलियम के लिए, 1.95 मिलता है। चलिए इसके बाद बारी है थर्ड केस की, यानी हमें डिस्कस करना है बोरोन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन को। ध्यान दीजिए बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1 है, यहां से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करने को भी मिलती है, यानी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का वह पार्ट जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो पाई थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यह पार्ट यहां से बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एनएथ में, जी हाँ वैलेंस शेल में, ये इलेक्ट्रॉन्स भी एनएथ में ही प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में ही प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन्स एन माइनस वन शेल में प्रेजेंट है, पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट है। तो देखिए किस प्रकार से सिग्मा कैलकुलेशन की जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे होंगे ये सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सभी का कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा कैलकुलेशन में। तो देखिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेशन में होता है 0.35, और ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू 2 प्लस, ये देखिए पेनल्टीमेट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85 होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू 2, यहां से सिग्मा देखिए क्या मिलता है 0.70 यहां से प्लस 1.70 यहां से, यानी सिग्मा हमें मिलता है 2.40। तो देखिए जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है ध्यान दीजिएगा, जेड कितना 5 है, 5 माइनस 2.40, यहां से हमें, यहां से जेड इफेक्टिव कितना मिलता है देखिए 2.60 मिलता है। चलिए इसके बाद फोर्थ केस की बारी है, देखिए केस 4 क्या है, ध्यान से देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6 के साथ आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
क्या होगी, 1s2, 2s2, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2p में होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p में होंगी। अब देखिए एनएच शेल कौन सी होगी, वैलेंस शेल कौन सी होगी, जिसके लिए एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये देखिए ये होगी वैलेंस शेल, इसके लिए एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जी हाँ, और ये एन माइनस वनथ होगी, ये एन माइनस वनथ है। तो देखिए यहां प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 0.35 होगा, और यहां प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 0.85 होगा। और ध्यान दीजिएगा यहां से हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स को। एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होगी, तो बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स उस अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे होंगे। हमें उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करनी होती है। वह इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो रिपेल करता नहीं है, यानी यहां से हमें एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन की बात करनी है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें लेना है। यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो रिपेल करता नहीं है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेशन में नहीं लेना होगा। यहां से हमें एक इलेक्ट्रॉन को, यहां से हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करना होगा सिग्मा कैलकुलेशन में। यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए इस मैटर को देखिए, ऐसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स 4 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिपेल कर रहे होंगे, जी हाँ। तो देखिए हर इलेक्ट्रॉन का एनएच शेल में, वैलेंस शेल में, एनएच शेल में, वैलेंस शेल में सिग्मा कैलकुलेशन के दौरान क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, 0.35, और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन इनटू 3 प्लस एन माइनस वन सेल में हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन 0.85, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनटू 2। यहां से देखिए हमें सिग्मा कितना मिलता है, यहां से हमें सिग्मा मिलता है 1.05 प्लस 1.70, यहां से मिलता है 2.75, ये सिग्मा मिलता है। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा, जेड इसके लिए 6 है, और 2.75 को माइनस किया जाए तो देखिए 3.25 होगा इसके लिए क्या, जेड इफेक्टिव। आई होप आपने भी कार्बन का जेड इफेक्टिव आसानी के साथ कैलकुलेट किया होगा। जल्दी से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की जेड इफेक्टिव को भी आसानी के साथ कैलकुलेट करना है। तो केस 5 होगा ये, जी हाँ, केस 4 के बाद केस 5 होगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 7 के साथ आपके सामने है, जी हाँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा, तभी तो सिग्मा कैलकुलेट कर पाएंगे, और सिग्मा कैलकुलेट कर पाएंगे तो जेड इफेक्टिव आसानी के साथ कैलकुलेट हो पाएगा। देखिए 1s2, 2s2, 2p3, ये होगी नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। एक बेहतरीन तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को याओबाओ प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल को यूज करते हुए इंडिकेट किया है। अब देखिए सिग्मा कैलकुलेशन में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन लेना होगा, सबसे पहले हमें यह जानना होगा एनथ और वैलेंस शेल कौन सी है, यह है एन माइनस वनथ, यह है ये एन माइनस वनथ है। अगर आपने इतना सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसके बाद सुनिए ध्यान से क्या सुनना है। यहां देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सिग्मा कैलकुलेशन में 4 को ही कंसिडर करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे, इसी के लिए तो जेड इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे होंगे, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट नहीं करना, वह इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रिपल्शन कैसे लगाएगा उसको काउंट नहीं करना है। तो देखिए बार बार मैंने आपको बताया है करना क्या है, या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन सिग्मा कैलकुलेशन में 4 को ही काउंट करना है, 4 को ही कंसिडर करना है। और देखिए वैलेंस शेल में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेशन में कितना होगा, ये होगा 0.35। एन माइनस वन के अंदर प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन
सिग्मा कैलकुलेशन में कितना होगा 0.85 × 2। यहां से देखिए आपको क्या मिलता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1.4 प्लस 1.70, सिग्मा इज इक्वल टू 3.10, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है देखिए 7 है, 7 माइनस सिग्मा 3.10, यानी कितना होगा, ये होगा देखिए आपके सामने होगा 3.90 होगा। आई होप आपने इसको माइनस किया होगा 7 में से और ये आपको मिलता है 3.90। अगर आपने यहां पर एक बात नोटिस की हो, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, इससे क्या होगा देखिए ध्यान से, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोरोन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2.6 है, ऐसे आगे चलते हैं कार्बन के लिए 3.25 है, नाइट्रोजन के लिए 3.9 है, आगे देखिए हमें बात करनी है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की, कैसे ही ट्रेंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में भी फॉलो होगा, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा क्या। आइए इसकी बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 8 के साथ हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी ध्यान दीजिएगा, 1s2 2s2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2p में होंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, ये होंगे 2p में। अब देखिए NH शेल कौन सी है, ये NH है एंड इसे जस्ट पीछे ये कौन सी शेल है देखिए N-1th है, यहां देखिए NH में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सिग्मा कैलकुलेशन में 0.35 होगा, और यहां पर हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करना है, कौन से इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करना है, किसी एक को एक्सक्लूड कर लीजिए, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन करनी है वह इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो रिपेल करता नहीं है, इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सक्लूड किया, तो देखिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एनएथ में, वैलेंस शेल में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 नहीं होंगे 5 होंगे, देखिए 0.35 × 5, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इतना होगा तो 5 का कितना होगा × 5, ये देखिए N-1th में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85 होगा, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से 0.85 × 2, यहां से देखिए सिग्मा क्या मिलता है, यहां से हमें सिग्मा इस प्रकार से मिल पाएगा 5 5 = 25, 5 3 = 15 प्लस 2 = 17, 1.75 यहां से प्लस 1.70 यहां से, तो सिग्मा कितना हुआ देखिए ये हुआ 3.45, ये सिग्मा की वैल्यू हुई। अब जेड इफेक्टिव कितना होगा देखिए, जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है देखिए जेड हमारे पास 8 है, ऑक्सीजन का केस है जेड 8 है, सिग्मा की वैल्यू 3.45, 8 में से 3.45 को माइनस करने के बाद जेड इफेक्टिव कितना मिलता है देखिए मिलता है 4.55। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाए होंगे, यहां देखिए नाइट्रोजन से ज्यादा है इसका जेड इफेक्टिव। चलिए इसके बाद ये चेक करना है क्या फ्लोरीन के केस में भी ऐसा ही ट्रेंड फॉलो होगा, केस 7 कौन सा ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का ट्रेंड। देखिए फ्लोरीन आपके सामने हाजिर है जेड इज इक्वल टू 9 के साथ, फ्लोरीन आपके सामने है, देखिए क्या कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p5, ये होगी इसकी कॉन्फिगरेशन, और वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कितना डिक्रीमेंट हो पाया होगा, यानी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो यहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, यानी यहां से हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करना होगा और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हुए सिग्मा की बात करनी होगी। तो देखिए ये हमारे पास एनएथ है और ये एन माइनस वनएथ है, एनएथ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेशन के दौरान देखिए क्या कंट्रीब्यूशन आपको लेना 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, देखिए 0.35 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे देखिए यहां से हमें 6 को ही काउंट करना है, इंटू 6 प्लस यहां देखिए
टू इलेक्ट्रॉन्स है एन माइनस वन एथ में, और यहां प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हमें लेना 0.85 इंटू टू, टू इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से देखिए सिग्मा क्या मिलता है, 6 5 30 0, 6 3 18 18 + 3 21 यानी 2.10 प्लस यहां से क्या मिलेगा 1.70। यहां से देखिए सिग्मा क्या मिलता है, सिग्मा यहां से मिलता है 3.80। आई होप सिग्मा आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। तो देखिए जेड इफेक्टिव कितना मिलता है, जेड इफेक्टिव यहां से मिलता है जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना होगा, जेड 9 होगा, 9 माइनस सिग्मा, सिग्मा देखिए 3.80 है, 9 में से 3.80 माइनस किया तो 5.20 ये आपके सामने है। चलिए इसके बाद बात करते हैं एक साथ, अगर इन सभी एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन की एक साथ बात की जाए तो देखिए इस प्रकार से एक मायावी टेबल आपके सामने, टेबुलर फॉर्म में हमें बात करनी है। यहां पर हमें एलिमेंट्स गिवन है, ये एलिमेंट्स है और ये इनकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके सामने है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है और ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फॉर, कैलकुलेशन फॉर NHCl, NHCl के लिए देखिए सिग्मा की कैसे कैलकुलेशन होगी ये आपके सामने है, और ये कैलकुलेशन N माइनस वन HCl के लिए है। सिग्मा कैलकुलेशन में NHCl में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड N माइनस वन HCl के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये आपके सामने है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के केस में, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या कंट्रीब्यूशन होगा ये आपके सामने है। ये कौन सी वैल्यूज हैं ध्यान से देखिए, ये 1.7 हमें लिथियम के केस में क्या मिलता है, 1.7 हमें सिग्मा मिलता है आपके सामने, जेड इफेक्टिव 1.3 मिलता है। तो देखिए ये 1.7 सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये देखिए जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा क्या होगा अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा यानी 3 से 9 तक, 3 एटॉमिक नंबर से 9 एटॉमिक नंबर तक हम मूव कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूव कर चुके हैं। ये देखिए इस प्रकार से इस बेहतरीन अंदाज में जेड इफेक्टिव हमें इंक्रीज होता हुआ मिल पाएगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब बारी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में किस प्रकार से जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाए। कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी तक हमने लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन की है, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक हमने लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैलकुलेशन की है जेड इफेक्टिव की, जी हां अभी तक हमने लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा की कैलकुलेशन की है। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हमें क्या मिलता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या मिलता है ये सब कुछ आपके सामने होगा। फर्स्ट एलिमेंट आपके सामने है स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 के साथ आपके सामने है, हमें इसके लिए कैलकुलेट करना होगा जेड इफेक्टिव। तो देखिए सबसे पहले बात होगी सिग्मा की, सिग्मा कितना होगा इसके लिए, चलिए सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद सिग्मा किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, किस अंदाज से कैलकुलेट होगा, उसके बाद एक साथ ही बात करेंगे इनके कोरस्पोंडिंग जेड इफेक्टिव कितना होगा। मैं डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में आपसे डेटा शेयर करूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे, मुझे लगता है इससे हम ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे और जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे। देखिए मुझे केवल कैलकुलेशन बताने हैं और फाइनली क्या डेटा मिलता है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैलकुलेशन आप देख लेंगे। देखिए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 के साथ है,
इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद एनर्जी वाइज बात की जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, एनर्जी वाइज अगर हम बात करें तो पहले 4s को फिल करना चाहिए, लेकिन 3d है तो n इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग, यानी थर्ड ऑर्बिट के कोरस्पोंडिंग। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करना होगा, लेकिन फिल बाद में करना होगा। याद आ रहा आपको? अगर नहीं याद आया तो पीछे जाइए, आओबाओ प्रिंसिपल n प्लस l रूल को याद करने की पूरी कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए, आपको याद आ जाएगा। देखिए 3d को बाद में फिल करते हैं, पहले 4s को करते हैं, लेकिन ये थर्ड ऑर्बिट के कोरस्पोंडिंग है, एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसलिए इसको बाद में फिल करते हैं। देखिए यहां पर इसको रिप्रेजेंट तो पहले करना होगा क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के कोरस्पोंडिंग है, लेकिन फिल इसको बाद में करेंगे। इससे पहले किसको फिल करना होगा, 4s को फिल करना होगा, ये आपको याद होगा। एनर्जी ऑफ 3d इज हायर देन 4s, दैट इज व्हाई 4s इज फिल्ड फर्स्ट, पहले 4s को ही फिल करना होगा। तो देखिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे। आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4s एंड रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3d। इस प्रकार से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होगा। आई होप इस पूरी माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपने इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड किया है तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये nth है, ये nth है और ये n माइनस वनth है, ये nth है, ये n माइनस वनth है, और ये क्या है, यहां से यहां तक n माइनस टू है, और इसके बाद बिलो n माइनस टू, जी हां n माइनस टूथ एंड बिलो दिस आपके सामने। यहां देखिए हमें यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना होगा, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 8 प्लस 1 9, और यहां से 8 प्लस 2 10, यहां से हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहां से देखिए, यहां से हमें 8 प्लस 1 9 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहां से हमें एक ही इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना होगा क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच बात की गई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें यहां पर सिग्मा कैलकुलेशन में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करना होगा, जिसके लिए जेड इफेक्टिव की बात करनी है। वह इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो रिपेल करेगा नहीं, यानी उस इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट नहीं करना है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आपने इस लेटेस्ट रूल के ये सभी पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए हैं तो देखिए हर इलेक्ट्रॉन जो एनएच सेल के कोरस्पोंडिंग है इसका सिग्मा कैलकुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन लेना है, 0.35। हर इलेक्ट्रॉन जो एन माइनस वनथ में है इसका सिग्मा कैलकुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन लेना है आपके सामने है। एन माइनस टूथ में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन क्या है, जल्दी से देखिए। अगर आपने जल्दी से देख लिया है तो अब तो हमें वैल्यूज को ही पुट करना है। देखिए किस प्रकार से वैल्यूज को पुट करना है, ये आपके सामने है। सिग्मा क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिग्मा इस प्रकार से आपको मिलता है। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट करना है सिग्मा कैलकुलेशन के लिए। देखिए 1 × 0.35 प्लस 9 × 0.85। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। प्लस 1 × जी हाँ एन माइनस टूथ एंड बिलो दिस हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेशन में कितना होगा, 1 होगा, 1 × 10, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से आसानी के साथ सिग्मा कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपने स्कैंडियम के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर लिया है तो जेड इफेक्टिव के लिए जेड में से सिग्मा को माइनस कीजिए। आई होप आप इसके फाइनल आंसर तक आसानी के साथ पहुंच पाएंगे। चलिए स्कैंडियम के बाद आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है एक यूनिट एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करने के साथ किसकी, टाइटेनियम की। जेड इज इक्वल टू 22,
ये इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद देखिए थर्ड सेल की कोरस्पोंडिंग 3d होगा, 3d सब सेल होगी, लेकिन इसको फिल करना बाद में। हम जानते हैं 4s की एनर्जी कम होती है, तो 4s को पहले फिल करना होगा। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। देखिए यहाँ पर पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब कितने हैं, 2 हैं। यानी अब देखिए कैलकुलेशन इस प्रकार से हमें मिलती है, ये nth है, इसके कोरस्पोंडिंग 1 इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना है, और ये n-1th है, और ये देखिए n-2th एंड बिलो दिस, एंड बिलो दिस। यहां से देखिए हमें कंसिडर करना है 1 इलेक्ट्रॉन को, यहां से हमें 10 को, 2 + 6 = 8 + 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से देखिए 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, यहां से भी 10 इलेक्ट्रॉन्स को। हर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा सिग्मा कैलकुलेशन में, अलग अलग होगा, यहां से अलग होगा, यहां से अलग होगा, यहां से अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखिए कैसे होगा, एनएथ में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर करना, 0.35 × 1 + n-1th में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कंसिडर करना है, 0.85। आगे देखिए n-2th एंड बिलो दिस, यहां हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 कंसिडर करना है सिग्मा कैलकुलेशन में हर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी देखिए आगे जाते जाएंगे होगा क्या, ये फिक्स्ड होगा, जी हाँ, ये भी फिक्स्ड होगा, जी हाँ, और ये 10 से क्या हो जाएगा, ये 10 से 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस प्रकार से इंक्रीज होता जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा, देखिए पहले क्या था, पहले 9 था, 9 से कितना हुआ, यहीं पर ही तो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, जी हाँ, यहीं पर ही अगर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, 9 से 10 हुआ, ऐसे ही इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू। यानी इसके इंक्रीज होने से ही सिग्मा इंक्रीज हो रहा होगा, बिल्कुल, जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद उस सिग्मा की वैल्यू को देखिए जेड में से माइनस करना होगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी, क्या आपको लगता है, ऐसे ही चलती जाएगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसके बाद वेनेडियम, जी हाँ, वेनेडियम के केस में तो ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। वेनेडियम जेड इज इक्वल टू 23, ऐसा केस है, इसके लिए बिना सोचे समझे यहां पर सिग्मा कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को बाद में फिल करना, पहले 4s को। रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, 3d में होंगे, आई होप इसको आपने काउंट किया होगा। अब यहां देखिए सिग्मा कैलकुलेशन इस प्रकार से, यहां 10 से 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, जी हां, अब कितने हो जाएंगे, यहां पर 11 हो जाएंगे। तो क्या होगा इससे, यहां से तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कंसिडर करना है, और यहां से 10 ही मिलेंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कैलकुलेशन होगी इस प्रकार से, 1 × 0.35 + 11 × 0.85 + यहां से देखिए 10 × 1, इस प्रकार आपको सिग्मा मिल पाएगा, और इसके बाद आपको इसी प्रकार से क्या मिल पाएगा, जेड इफेक्टिव, जेड में से सिग्मा को माइनस करने के बाद। यह कहानी ऐसे ही चलती जाएगी, और इस कहानी में आपको प्रॉब्लम होगी दो जगह, क्या ये कहानी आगे भी एक एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसे ही चलती जाएगी, जी नहीं, ये कहानी ऐसे ही नहीं चलती जाएगी। यहां पर हमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती है कुछ केसेस में। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में ये कहानी ऐसे ही नहीं चलती जाएगी। जैसे क्रोमियम एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्रोमियम का है, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेड इज इक्वल टू 24 के कोरस्पॉन्डिंग ये नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलती है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को तो बाद में फिल करना है, पहले 4s में 2,
एंड रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स 3D में। ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। क्या होती है? देखिए, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4S1। ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। कैसे सिमेट्री होगी ये देखिए, ज्यादा सिमेट्री होगी। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्सचेंज एनर्जी का, जिसके बारे में आपको कभी बताया जाएगा। स्पेशल एडवांस लेक्चर जब मैं लूंगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। देखिए किस प्रकार से एक्सचेंज एनर्जी से ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा 3D5 कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। देखिए सिमेट्री है, अभी आप सिमेट्री से अंडरस्टैंड कर लें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का होगा। जी हां, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यह कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी। दिस इज मोर स्टेबल देन 3D4। जी हां, 3D4 में क्या होगा देखिए, 3D4 कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी 1 2 3 4, और 3D5 कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगी। तो हमें क्रोमियम की ये कॉन्फ़िगरेशन मानते हुए सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। ये आपका काम है, सिग्मा क्या होगा। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, अभी तक जितने भी रूल्स आपको बताए उन सभी रूल्स को अप्लाई कीजिए, सिग्मा कैलकुलेट कीजिए, और इसके बाद जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कीजिए। क्या मिलता है जेड इफेक्टिव, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा सिग्मा क्या मिलता है और जेड इफेक्टिव आपको यहां से क्या मिलता है। इसके बाद देखिए क्रोमियम के बाद अगला केस है, केस 5 मैग्नीज का। एटॉमिक नंबर 25 के साथ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या होंगे, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद 3d के बाद 4s को पहले फिल करना है। जी हां, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो देखिए p को फिल करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें 4s को पहले फिल करना है, एनर्जी 4s की कम होगी, 3d की एनर्जी ज्यादा होगी। तो 4s को पहले फिल किया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 5। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी मैग्नीज की। इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट कीजिए, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए क्या आपका आंसर आता है यहां से, क्या आप सिग्मा और जेड इफेक्टिव को आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए मैग्नीज के बाद आयरन की बारी है, मैग्नीज के बाद K6 आयरन। आयरन एटॉमिक नंबर 26 के साथ, ये देखिए आयरन जेड इज इक्वल टू 26। यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बेहतरीन अंदाज में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी हां, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को बाद में फिल करना है, 4s को पहले, 4s में 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 3d में। इसके लिए भी सिग्मा कैलकुलेट कीजिए, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कीजिए, और देखिए सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव आपको क्या मिलते हैं। आई होप आप सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे चलते हैं, आयरन के बाद कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 के साथ कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसके बाद 3p6 3d को बाद में फिल करना, पहले 4s को, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स d में 7 होंगे। सिग्मा कितना होगा इसके लिए, z इफेक्टिव क्या होगा, ये भी आपको जल्दी से कैलकुलेट करना है। इसके बाद देखिए कोबाल्ट के बाद निकल एटॉमिक नंबर 28 है, इसके लिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को बाद में फिल करना है, 4s में 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, 3d में होंगे। इसके लिए जल्दी से सिग्मा कैलकुलेट कीजिए, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कीजिए। फाइनल आंसर आज ही आपको बताया जाएगा, वीडियो के लास्ट में
फाइनल आंसर भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। आयरन कोबाल्ट निकल के बाद देखिए कॉपर एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस 3D सीरीज में आपके सामने, 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो ही जगह एक्सेप्शन आएगा, क्रोमियम में और दूसरा कॉपर में। देखिए कॉपर का केस आपके सामने एटॉमिक नंबर 29 के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखने में आपको ऐसी लगती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखने में आपको ऐसी लगती है। 3D को बाद में फिल करना, 4S में होंगे 2 एंड 9 होंगे 3D में आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों, होगा ही 3D में 10, 4S में 1। देखिए 3D में 10 होंगे तो इसके कोरस्पोंडिंग एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी। ये क्या है एक्सचेंज एनर्जी, एडवांस कॉन्सेप्ट है, बाद में किया जाएगा डिस्कस। अब देखिए आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से अंडरस्टैंड कर लीजिए, यहां देखिए सिमेट्री है, कैसे सिमेट्री है, अगर कॉन्फ़िगरेशन हुई 3D10 तो देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से हम बोल देंगे 3D10 ज्यादा स्टेबल, किससे ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3D10 इज मोर स्टेबल, 3D10 इज मोर स्टेबल देन 3D9। 3D9 का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा आप बनाकर देख सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स देखिए सिमेट्रिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स हैं, इस प्रकार से 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान से देखिए तो यहां ज्यादा सिमेट्री है, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करते हुए आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है, आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद जिंक जेड इज इक्वल टू 30 का केस, यहां कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जी हाँ जिंक जेड इज इक्वल टू 30, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, ये पूरी कहानी इसके लिए आपको डिस्कस करनी है। अगर आपने कैलकुलेशन कर ली है, अगर आपने सिग्मा जेड इफेक्टिव की पूरी कैलकुलेशन कर ली है तो देखिए आंसर्स इस प्रकार से होंगे, जेड इफेक्टिव आपके सामने है, सिग्मा आप देख सकते हैं जेड इफेक्टिव इतना आएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा क्या रहा होगा, तो देखिए क्रोमियम के केस में जेड इफेक्टिव ये मिलता है, बाकी केसेस में करेक्टली आपको जेड इफेक्टिव गिवन है तो आप चेक कर सकते हैं सिग्मा क्या रहा होगा। आई होप आपने आंसर्स नोट किए हैं और आप भी फाइनल आंसर तक पहुंच पाए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है यहां तक पहुंचने में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज देखिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन में जो कुछ हमने एनालाइज किया, देखिए जेड इफेक्टिव का पूरा एनालिसिस आपके सामने है, आई होप आपने इन सभी पॉइंट्स को नोट किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हमें एटॉमिक रेडियाई को एटॉमिक साइज को डिस्कस करना है और वहां पर जेड इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो देखिए टॉप टू बॉटम ग्रुप वन में जेड इफेक्टिव का वेरिएशन किस प्रकार से होगा ये आपके सामने है, ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर से हमें एटॉमिक साइज के अंदर डिस्कस करने होंगे। जेड इफेक्टिव के वेरिएशन से एटॉमिक साइज पर हमें कमेंट करना होगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप इस पार्ट में पूरा स्ट्रोंग हो जाइए, आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो नेक्स्ट सेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक बेहतरीन तरीके से एटॉमिक साइज के ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए आज बस इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।